हाय एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस न्यू एंड फ्रेश एपिसोड ऑफ विरासत। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी फिश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक्चुअली आप जब इसको बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कितनी टेस्टी और अच्छी बनती है। ये सभी को पसंद करते हैं, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, ये सब खा सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। और मैं आपको एक और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, मैं इसके दो बार में इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। पहली बार में इसका मैरिनेशन का इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, फिर दूसरी बार में इसका घोल का इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी मैरिनेशन के क्या क्या मसाले होते हैं। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 2 नींबू और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने इसको अलग अलग रखा है। आप चाहें तो इसको एक भी ले सकते हैं, बट मैंने अलग अलग रखा है। ये हमने 2 केजी रोहू फिश ली है, इसको मैंने 2 घंटा पहले मैरिनेट करके रख दिया है। ये मैंने रोहू फिश ली है, आप चाहें तो आपको अपने पसंद की कोई भी फिश ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं घोल के इंग्रीडियंट्स। 1.5 कप बेसन, 1.5 कप राइस फ्लोर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून कुटी धनिया, 1 टेबलस्पून कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून अजवाइन, पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तो आइए शुरू करते हैं इसका घोल बनाना। सबसे पहले बेसन और हमारे जो राइस फ्लोर है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक एक करके सारे मसाले डालेंगे। ये कुटी काली मिर्च, कुटा धनिया, पिसा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और चाट मसाला। और 1 टीस्पून नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून हल्दी, और मैं भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को बताना, एक्चुअली इसमें 1/2 टीस्पून थोड़ा सा कलर भी पड़ेगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एकदम से मत पानी डालिएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा ये घोल है वो बनके रेडी हो चुका है। देखिए इतना थिक होना चाहिए, इसको ज़्यादा थिक भी मत करिएगा, कम थिक भी मत करिएगा, एकदम मीडियम थिक करिएगा, ताकि जो फिश में जो कोटिंग है वो भी अच्छी आएगी और फिश क्रिस्पी भी बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये तेल को मैंने खड़ा कर लिया था, सरसों का तेल है ये। आप भी सरसों के ही तेल में फ़िश बनाइए, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सी सब्जियां भी आप लोग सरसों के तेल में बनाते हैं, वैसे ही ये फ़िश भी सरसों के तेल में ही बनाइए। इसको मैंने मीडियम आंच पे पकाया है ताकि ये जो फिश है वो अंदर तक पक जाए। आप लोग भी मीडियम पे ही बनाइएगा। अब हमारी फिश तैयार हो चुकी है, इसको डिश आउट कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यमी लग रही है, मुझे तो अभी से ही खाने का मन कर रहा है, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे। आप लोग बिल्कुल भी वेट मत करिएगा और फटाफट ये फिश रेसिपी ट्राई करिएगा। तो अब हमारी फ़िश फ्राई बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी और कितनी यमी लग रही है। इंशाल्लाह आपको खाने में भी उतनी ही ज़्यादा यमी लगेगी। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितने हमारे पहले एपिसोड अच्छे लग सकते हैं। इस फिश फ्राई को आप लाल चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या आप जैसे भी आपको अच्छी लगे आप खा सकते हैं। इसको आप अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।